कुछ बातें करते हैं कि ये इलेक्शन कितना जरूरी है गुजरात के लिए। मोहन भाई, समग्र गुजरात में तो नहीं है, पूरा हिंदुस्तान की जरूरत है, क्योंकि सब लोग लास्ट तीन साल से लोग इतना परेशान हो रहा है। तत्कालीन उस टाइम सीएम था नरेंद्र मोदी जी, और आज के दिन वो पीएम है, लेकिन जहाँ जाते गलत बातें करते, फार्मर के लिए हो, रोजगार के लिए हो, विकास के लिए हो, बात करके चले जाते, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि इस साल से पूरा गुजरात के नहीं, पूरा हिंदुस्तान की जरूरत है। पहले नोटबंदी की वजह से फायदा सिर्फ हुआ उनकी पार्टी के लगते जुलते हुए लोगों को, और उसके बाद जीएसटी आया, तो जीएसटी में जो पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का जो एजेंडा था उसमें उसके चेंज करके 28% कर दिया। जब राहुल जी का गुजरात में प्रवास होने लगा और भीड़ इकट्ठी होने लगी, तो उसके बाद उसने जो 18% कर दिया, लेकिन क्या फायदा है? गलत बात कर रहे हैं, पूरे देश में परिस्थिति तंग हो रही है, और गुजरात से ये मैसेज जाएगा पूरा हिंदुस्तान में कि गुजरात है पीएम का ये वतन है। तो यहाँ से पूरा गुजरात में आने वाले टाइम में कांग्रेस पूरी बहुमत से सरकार बनाएगी, पूरा देश को पता लगेगा, पूरा दुनिया को पता लगेगा कि मोदी जी कुछ नहीं है। लेकिन एजेंडा क्या है कांग्रेस का, एजेंडा क्या होगा? कांग्रेस का जो एजेंडा है, इसमें फार्मर के जो जिस टाइम मनमोहन सिंह जी था तो 73,000 करोड़ का जो कर्जा था वो फार्मर का माफ किया था, इस हिसाब से उसने कुछ नहीं किया। आज भी नया जो एजेंडा है इसमें लिखा है कि फार्मर को कर्जा माफ करने का, और जो फार्मर की लैंड है उसको जो मापड़ी हुई है जो उसका गलत तरीके से हुआ है, और रोजगार के लिए पूरा गुजरात में गलत बोलते हैं टाटा वाला या नैनो वाला या बहुत लोग उसको नौकरी देंगे, किसी को नौकरी नहीं मिली। टाटा वाले को गुजरात सरकार से 33,000 करोड़ का कर्जा दिया बिना ब्याज से 20 साल तक। तो गुजरात से पूरा गुजरात परेशान नहीं हो रहा, पूरा हिंदुस्तान परेशान हो रहा है। कांग्रेस का एजेंडा है कि पूरे देश में गुजरात एक चेंज होगा, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, तो आने वाले में हरियाणा है, राजस्थान है, एमपी में 2019 में फिर कांग्रेस की सत्ता हासिल करने का एजेंडा है। ऐसा क्यों लगता है कि आपको हार्दिक पटेल की वजह से कांग्रेस दोबारा जिंदा हो जाएगी गुजरात में? ऐसा बहुत बार हुआ है, चिमन भाई की सरकार थी उस दिन नव निर्माण हुआ था, तो ये नव निर्माण समझो कि मोदी जी के सामने ये नव निर्माण है, क्योंकि ये सिर्फ पाटीदार नहीं है, आज सब जाति के लोग दुखी है, रोजगार के लिए, विकास के लिए गलत बात कर रहे हैं, हर लोग दुखी है। आज पाटीदार समाज के साथ हर समाज जुड़ गए उसके वजह से।